लखनऊ में राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं के साथ शैक्षिक संवाद किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितेन्द्र प्रसाद शामिल हुए। यहां मंत्री ने उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र बांटे गए। छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनसे संवाद भी किया गया। मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रदेश की युवा पीढ़ी को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर उनके कौशल को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण में हमारे युवा अपनी सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता ने मंत्री जितेन्द्र प्रसाद से बातचीत की। पॉलिटेक्निक छात्र छात्राओं से शैक्षिक संवाद करने पहुंचे प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितेन्द्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रांत में। सर आज आपके कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहला प्रोग्राम था आपका, छात्र छात्राओं से संवाद किया गया, क्या कुछ संवाद में निकल के सामने आया? बात यह है छात्र छात्राओं के लिए ही हम सब लोग यहाँ प्रतिबद्ध हैं, पूरी सरकार, हमारे अध्यापक, हमारा डिपार्टमेंट, और जो छात्र छात्राओं के सुविधाएं हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शैक्षिक हो, कोर्सेज हो, और उससे लेस किया जाए कि रोजगार के अवसर आने वाले पीढ़ियों को प्राप्त हों, उसी दिशा में जो समस्याएं हैं और हमारे आगे के क्या प्रोग्राम्स हैं और आने वाले 5 वर्ष में सरकार क्या करेगी उस पर चर्चा। धन्यवाद। आज सर आपके और क्या क्या मुख्य प्रोग्राम रहे? अब बस हो गया, अब आगे बताएंगे ना। ये बिल्कुल हमारे साथ बात करने के लिए प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितेन्द्र प्रसाद जी थे, जिन्होंने बताया कि आज छात्र छात्राओं के साथ शैक्षिक संवाद किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए 5 साल में सरकार लगातार काम करती रहेगी। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ अश्विनी त्रिवेदी, प्राइम टीवी, लखनऊ।